अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे YouTube चैनल का कवर फोटो को कैसे आप बनाते हैं, क्योंकि इसके लिए आप ज्यादा आपको एफर्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये आपके चैनल की लुक को बेहतर करने के लिए और जो लोग नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए बड़ी आसानी है। तो उसके लिए हम साइज को भी बताएंगे कि कितना साइज होना चाहिए जिससे आपका चैनल ज्यादा अच्छी लुक देगा। तो आप इस वीडियो को देखिए और इसमें आप लाइव इसमें सीखेंगे कि आप कैसे क्रिएट करते हैं। जी सर, स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अरफान साहब मेरे बड़े अच्छे ही दोस्त हैं और हम लोग इकट्ठे ही काम करते हैं, तो इसमें काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस हैं क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बच्चे यूनिक जो आगे आ रहे हैं मार्केट में, उनके काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि जी कवर फोटो नहीं बन रहा, कवर फोटो का ये हो रहा है। भाई इतना कोई बड़ा तो अरफान भाई काम नहीं है, लेकिन ये है कि वो बच्चों को सिखाया नहीं जाता उस लेवल पे आके। तो मेरी आज की जो वीडियो था, जो आपका जो मकसद था इसमें बनाने का, वो यही था कि जी इसको बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी कर दीजिए, उन लोगों के लिए जो उसमें मार्केट में है उनको थोड़ा सा इजी कर दीजिए। बेसिकली होता ये है कि ये अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक पूरे का पूरा एक फ्रेम उन्होंने दिया हुआ है जिसका जो पिक्सल्स में जो साइज है वो 2560x1440 पिक्सल्स पे है, यानी कि जितना ये ब्लैक एरिया जो है ना ये इसमें इतना ये चल रहा है। अब ये जो कवर जो साइज है ना, ये पूरे का पूरा, ये बेसिकली जब हम लोग अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर ऑन करते हैं ना, तो ये पूरा हमें जो जो इसमें ब्लैक एरिया ना ये नजर आएगा टीवी स्क्रीन के ऊपर। अब आप उसमें देखें कि जी मैंने ये इसमें जो इमेज लिया हुआ है, इसमें एक रेड डॉटेड लाइंस के साथ एक बॉक्स बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा गया हुआ जी सेफ एरिया, जिसमें 1546x423 पिक्सल्स उसमें आप इस साइज का फ्रेम लेंगे। ये बेसिकली इसका सेफ एरिया है। सेफ एरिया का इसमें मकसद ये है कि जब हम लोग इस एरिया में अपना कोई भी रिटन कंटेंट देते हैं ना, कि जी उसमें हम लेट्स सपोज का अगर हम लोग कहते हैं जी अरफान मल्टीमीडिया कंपनी, या उसमें इसमें कुछ भी अगर हम लोग लिख देते हैं, तो उसमें क्या होता है ये हमारे हर डिवाइस के ऊपर शो होता है। लाइक अगर हम लोग मोबाइल डिवाइस पे जाते हैं तो भी ये शो होगा। इस ये जो रेड कलर वाला जो हमारा ब्लॉक है, ये जो बॉक्स है, इसके अंदर अंदर जो कुछ लिखेंगे ये हमारी मोबाइल स्क्रीन का, मोबाइल स्क्रीन में जब हम लोग उसमें चैनल एक्सेस करेंगे तो ये वहां पर इसमें शो होगा। लेकिन अगर हम लोग इसके जो ये वाला जो बॉक्स है रेड लाइन से अबव या उसमें जो पूरे बॉक्स में कहीं लिखेंगे, तो ये हमारे पास मोबाइल स्क्रीन पे शो नहीं होता। अमूमन हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग उसमें ये इस साइड पे लिख देते हैं, यहाँ पर अपना लोगो नेम है या कंपनी नेम है या चैनल नेम है, वो इस जगह पर लिख देते हैं। हम लोग इस जगह पर अपना डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, हम छोटे छोटे जो स्लोगन्स हैं उसका जो नेम है वो हम लोग सेफ एरिया से जब बाहर उसमें लगा देते हैं ना, तो वो हमारा मोबाइल स्क्रीन पर कभी भी शो नहीं होता। ठीक है, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है इसकी साइकिल को समझने के लिए कि हम लोग क्या करते हैं जी, कि हम लोग जो इसका सेफ एरिया होता है ना, हम लोग इसमें अपना जो बेसिक जो नेम है ना वो इसमें इसको कर सके। सेकेंडली उसमें अब इसका जो सेफ एरिया को जो आपने साइज रखना है ना, वो 1546x423 पिक्सल्स हैं, जिसमें इसमें साथ मेंशन भी है विजिबल एट एनी डिवाइस। विंडोज से कि अगर आप इसको कंप्यूटर स्क्रीन पे एक्सेस करते हैं, अगर आप इसको मोबाइल स्क्रीन पे, टैबलेट पे, टीवी पे, एलसीडी पे आप किसी भी को एक्सेस करते हैं, तो ये जो सेफ एरिया ना ये आपको विजिबल होगा। टीवी पे तो बेसिकली ये पूरी ही स्क्रीन शो होती है, लेकिन ये सेफ एरिया में ये होता है कि ये हर डिवाइस के ऊपर आपको अपना आपका जो नाम है ना वो उसमें शो हो रहा होता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो ब्लॉक है ना वो है जी हमारे पास ये ग्रे वाला फर्स्ट पोर्शन, ये वाला जिसमें हम लोग देख रहे हैं नीचे मैंने इसको साइज लिखा हुआ टेबलेट जोन है। अब टेबलेट जोन में हम लोग क्या करते हैं जी, टेबलेट जोन में हम लोग उसका साइज देते हैं जी 1855x423। अब इसकी जो 23 पिक्सल्स वो सेम रहेगी, और उसमें 1855 हमने इसकी जो वेट थी ना वो उसको ज्यादा कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि टैबलेट मोड में आके हमारी जो स्क्रीन होती है थोड़ी सी बड़ी हो, तो हम लोग जब इसके ऊपर करते हैं तो ये टैबलेट मोड के ऊपर आके ये हमारे लिए ये वाला एरिया होता है ये जिसमें टैबलेट जोन लिखा हुआ है। अब पीसी जोन में आके जब हम लोग पीसी जोन के ऊपर जब आते हैं तो 2560 हम लोग उसके विथ कर देते हैं, ऑफ 3 पिक्सल जो है उसकी हाइट में रहने देते हैं, तो पीसी जोन में जाके ये हमारे पास जो है ना ये इजीली हम लोग इसको ये विजिबल एरिया होता है पीसी के लिए कि यहाँ पर लिखा पर इजीली पढ़ा जा सकता है, उसको क्लिक करने की जरूरत नहीं होती, हम लोग अपना जो नेम है वो इजीली उसको कन्वे कर सकते हैं। अब बात आ गई जी हमारी उसमें
जो विजिबल ओनली टेलीविजन के लिए, तो हम लोग उसमें देखते हैं चैनल कवर 2560x1440 pixels. अब ये जो सिर्फ एरिया जो है ना, ये हमारी टीवी स्क्रीन्स के लिए है. काइंडली जब भी आप उसमें कवर फोटो बनाएं, जब भी आप इसको देखने की कोशिश करें, आप किसी क्लाइंट के लिए बनाएं, आप अपने चैनल के लिए बनाएं, तो सेफ एरिया को लाजमी मद्देनजर रखें. इस छोटे से एरिया के लिए इसको रखें. अब इसको बनाने का आर्ट ये है कि आप सबसे पहले 2560x1440 pixels का आप इसमें पहले एक बॉक्स बनाएंगे, देन उसके अंदर जो है आप उसके सेंटर में 1540x423 pixels का उसमें आप जो है एक बॉक्स बनाएंगे. अब इस सेफ एरिया के अंदर आपने काम करना है. बेसिकली जो आपका बेसिक गेम होगा वो आपका इसके अंदर आना चाहिए, इस वाले बॉक्स के अंदर. जब इसके अंदर आएगा ना, तो ये किसी भी स्क्रीन के ऊपर जाएगा. लाइक हम लोग कैनवा यूज करते हैं, या हम लोग डिफरेंट जो एप्लीकेशंस आती हैं हम लोग उनको यूज करते हैं, हम लोग उसमें थ्रू वेब इसको बनाने की ट्राई करते हैं, तो वो उनका भी बेसिक आर्ट यही होता है कि उन्होंने उसको सेट किया होता है कि वो इसके अंदर अंदर हमारे जो नेम आ जाए, जो हम उसको लगाते हैं, वो कहते हैं हम बड़ा खूबसूरत बन गया. बीइंग अ डिजाइनर, डिजिटल मार्केटर, वेब डिजाइनर, हमें ये इन चीजों के बारे में इतनी हाव नाव होनी चाहिए कि हम लोग अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन की एक्सेसिंग नहीं मौजूद, तो हम लोग अपना खुद से जो क्रिएटिव वर्क है उसको स्टार्ट करते हुए, हम लोग इन साइजेस को देखते हुए, इसके अंदर सेफ एरिया में रहते हुए, हम लोग अपना यूनिक जो ना आइडिया उसमें बनाएं, अपना यूनिक इमेज बनाने की कोशिश करें, ताकि जब हम अपने क्लाइंट को उसमें करें, तो उसको किसी भी वेबसाइट के ऊपर वो ना मिले, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर ना मिले, वो कभी भी ऐसा फील ना हो कि जी ये एप्लीकेशन का बना हुआ है या ये इस तरह का बना हुआ है. क्योंकि होता ये है कि मोस्टली हम लोग अपने काम को कम करने के लिए जो है वो हम लोग ये सारी एप्लीकेशन यूज कर लेते हैं. समटाइम तो ये सारी चीजें चल जाती हैं, लेकिन जब हमें अपने क्रिएटिव वर्क की जरूरत पड़ती है, तो ये एप्लीकेशन हमारा साथ नहीं देती. हमें क्रिएटिव वर्क के लिए खुद से ही सारा काम करना चाहिए, हमें उसका डिजाइन खुद से मेंटेन करना चाहिए, उसके इमेजेस के लिए हमें उसको देखना चाहिए, उसकी कटिंग जो है, ये सारा कुछ जो है उसमें शामिल होना चाहिए. तो ये जो चीजें हैं, ये इनको फोकस करना चाहिए, ताकि हम लोग इनको आगे लेके अपने फ्यूचर में ज्यादा बेनिफिट्स गेन कर सकें. आज की हमारी ये इसमें सेशन का मैं यहीं पर इसमें इख्तिताम करूंगा, ताकि कुछ मैसेजेस आ रहे हैं जी. उसमें अरफान भाई इस तरह कि इसका जो बेसिकली जो इसका जो आर्ट है ना, वो उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इनको बना के दिखा देंगे. अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर ये लोग डिमांड करेंगे कि हमें बना के दिखाया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे कि इनको जो है ना वो वहां पर ना बना के दिखा देंगे. बेसिकली वो मेरा ख्याल है कि हमारी ये जो वीडियो जो है ना, ये काफी हद तक लोगों को समझ आ गई होगी. लेकिन अगर फिर भी आपके पास उसमें ये उसमें व्यूज आ जाए कि नहीं जी हमें ये बना के दिखाएं, या आपके पास ये डिमांड आ जाए कि नहीं जी ये हमें बना के दिखाया जाए, हमें उसमें जरूरत है कि जी हमें इसका बताया जाए, इसको करके दिखाया जाए, तो उसके लिए फिर है कि हम लोग जो है ना वो उसको वैसे ही लोगों को बना के दिखाएंगे कि जी ये अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, क्योंकि आपके पास तो माशाल्लाह काफी व्यूअर्स हैं इस सारे मामले में, आपके अपने क्लाइंट्स माशाल्लाह काफी ज्यादा हैं, डिजिटल मार्केटिंग में आप अपना नाम पैदा कर रहे हैं, तो ये कि जैसे ही इनमें से अगर किसी को जरूरत पड़ती है, तो हम लोग इसकी जो वीडियो ना वो जरूर बनाएंगे. आप मुझे इजाजत दें ताकि सिंपल सा वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो सिंपल सा भी उसमें बना के दिखाया जाए, लेकिन मेरा ख्याल है ये लोगों को काफी इजी होगा, क्योंकि वो उसको दोबारा ड्रॉ करने के लिए हमें उसमें करना पड़ेगा. लेकिन ये कि ये काफी उसमें जो सिंपलेस्ट वे जो है ना इसका, वो मेरा ख्याल है ये ठीक है. अगर कोई बंदा डिमांड करे, तो हम लोग इसको ड्रॉ करके भी दिखा देंगे, या इसके लिए हम लोग जो है ना नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करवा लेंगे. तो आज के लिए अरफान भाई मुझे इजाज़त दें, क्योंकि अभी आपको पता है थोड़ा सा काम मजीद उसमें मेरा मौजूद है, तो ताकि मैं वो साथ साथ उसको भी कंप्लीट कर लूँ. तो फिर इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी, जैसे ही आप दोबारा याद करेंगे कि जी